मैं रो रही हूँ, मैं ना रो रही, मैं रो ना रही, बढ़िया हूँ। मसीरो कोई काम पे नहीं आया, खराब लाली मसीर क्यों लगी रही है? मैंने कहा जी जैसे सपना ने कही पापा ये काम होना है, चल तेरी खेती रोज तो रोज। फ्रेंड्स, बहुत दुख होता है एक माँ बाप को जो अपनी आंखों के सामने अपनी बच्ची को दो दो बार इस कंडीशन में देखता है, जैसा कि आज के टाइम पे सपना के माता पिता देख रहे हैं। अपने नज़रों के सामने एक 25 साल की बेटी को इस हालत में रोता हुआ देख रहा है, बिलखता हुआ देख रहा है। किस क्या गुजरती होगी उस पिता के दिल पे, क्योंकि इंसान तो बेचारा खुल के रो भी नहीं सकता, अपना दुख तकलीफ किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि जो होना है वो तो हो गया, अब वो वक्त तो पलट भी नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है सपना के जो पिताजी है वो ड्राइविंग की जॉब करते हैं, वो घर में नहीं रहते, वो बाहर जॉब करते हैं। और बचपन से सपना की मम्मी ने सिलाई वगैरह करके अपने तीनों बच्चों को पाला है। ऐसे में सपना बहुत ज़्यादा दुखी होती है। सपना बोलती है कि मेरा हमेशा का ये ख्वाब था कि मैं फैशन डिज़ाइनर का कोर्स करूँगी और अपने घर के हालात को सुधारूँगी, पर बहुत जल्दबाजी में मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी ये सोच के करवाई थी कि कम उम्र में जल्दी अच्छा घर मिल जाएगा, शादी हो जाएगी, सेटअप हो जाएगी, लाइफ अच्छा चलेगा। उनको क्या मालूम था कि किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। भले ही हम कुछ भी किसी के लिए सपना देख लेते हैं, हमारे लिए सब कुछ परफेक्ट प्लानिंग के तौर पर हम लोग सब कुछ करते हैं, पर कब किसकी किस्मत में कब क्या हो जाए वो इंसान के हाथ में नहीं रहता है। जी हाँ दोस्तों, पिताजी ने भी इनके यही सोच के शादी करवाई थी कि सपना ससुराल में राज करेगी।